अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार के जैसी क्रीमी कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से तैयार करेंगे और साथ में किसी भी इलेक्ट्रिक वीटर या मशीन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पूरी रेसिपी आप कंप्लीट वॉच करें और फॉलो भी करें। तो यहाँ एक पैन में 2 कप मिल्क यानी 1/2 लीटर मिल्क ले लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है और अभी ये रूम टेम्परेचर पर है। साथ में एक बाउल में हम 2 टेबल स्पून जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो ले लेते हैं, वनीला फ्लेवर्ड है ये। पिंच ऑफ फूड कलर लेंगे, ऑप्शनल है, और यहाँ पे थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के और थोड़ा सा 1/4 कप मिल्क डाल के और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका घोल बना लिया है। अब जो पैन में हमने मिल्क रखा था उसमें इसे डाल देंगे और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप शुगर, और या तो जितना आपको मीठा रखना हो उतना डाल लें, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं यहीं पे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसे हम डायरेक्ट उठा के फ्लेम पे रख देंगे और फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम है और इसे कंटिन्यूअस हम स्टर करते रहेंगे। तो यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और मिक्स करते हुए तब तक पका लेते हैं जितनी हमें इसमें थिकनेस चाहिए। इसे टोटल पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है, तो इतनी थिकनेस रखेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा साइड में रख के मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए और इसके ऊपर कोई लेयर भी ना आए। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम फ्रीज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए। और यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं, ये एकदम ठंडा बाउल है, और इसमें हम जो फ्रेश क्रीम आती है वो डाल देंगे। एक अलग बाउल में थोड़े से हम आइस क्यूब्स ले लेते हैं और जिस बाउल में हमने फ्रेश क्रीम डाला है वो इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर फ्रेश क्रीम है वो एकदम ठंडी होनी चाहिए, और जो हैंड बीटर होता है इसे हम विस्क करना शुरू करेंगे। विस्क करते हुए थोड़ी देर हो गया है, अभी थोड़ा सा हम और करेंगे। यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम जो है वो हम हैंड बीटर से रेडी कर रहे हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके सॉफ्ट पीक्स बनने लगे हैं। ये प्रोसेस फॉलो करके आप बहुत आसानी से हैंड बीटर से भी घर में व्हिप्ड क्रीम रेडी कर सकते हैं। इस प्रोसेस के साथ 7 से 8 मिनट्स में ही बहुत आसानी से हमारा घर में व्हिप्ड क्रीम रेडी हो गया है बिना मशीन से। और जो हमने कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रखा था उसे एक मिक्सर में डाल के मैंने हल्का सा चंग कर लिया है, बस 1 राउंड, ताकि स्मूथ हो जाए, इसमें कोई गुठली ना रहे। उसके बाद जो हमने क्रीम को व्हिप्ड किया है यहीं पे ऐड कर देते हैं। पे जो व्हिप्ड क्रीम है वो हमारे आइसक्रीम को बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगा, बिल्कुल मार्केट के जैसी बन के तैयार होगी, कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके घर में ही बिना मशीन के बहुत आसानी से व्हिप्ड क्रीम रेडी कर सकते हैं अपने आइसक्रीम्स के लिए, केक पे फ्रॉस्टिंग के लिए। बस सारे स्टेप को फॉलो करना है। आपका क्रीम, बाउल और नीचे आइस क्यूब सब कुछ एकदम अच्छे से चिल्ड होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हैंड बीटर का यूज़ किया है, पर सारे प्रोसेस को आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स होने के बाद इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना सिल्की स्मूथ है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आइसक्रीम बनके रेडी होता है। तो अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं। इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पे इसे अच्छे से कवर करके और इसे ओवरनाइट आइसक्रीम बनने के लिए रख सकते हैं। पर इसे हम 2 घंटे के लिए अभी फ्रीज़र में रखेंगे। 2 घंटे के बाद यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा सा ही आइसक्रीम जमना शुरू हुआ है, 2 से 3 घंटे हुए थे इसे रखे हुए, लेकिन इसे अभी हम मिक्सर जार में डाल के और एक चंक देंगे जिससे हमारी आइसक्रीम और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे इसे मैंने 1 राउंड ब्लेंड कर लिया है, वापस उसी बाउल में डाल देंगे और इसे फिर से हम एल्युमिनियम फॉइल या क्लिंग रैप से कवर करके और एयर टाइट लिड लगा देंगे और इसे हम ओवरनाइट या 6 से 7 आवर के लिए फ्रीज में रख देते हैं, जब तक ये अच्छे से जम नहीं जाता। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, तो आप चेक कर लेते हैं। जब एक बार आपकी आइसक्रीम जम जाए तो उसे फिर एक्स्ट्रा आवर के लिए ना रखें, नहीं तो आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो यहाँ बहुत अच्छे से हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो गया है। तो इसे स्कूप कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे टूटी फ्रूटी के साथ, आलमंड फ्लेक्स के साथ और थोड़े से पिस्ताशियों के साथ। तो घर में ही बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी, ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है बिना मशीन के, जो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि सभी लोग बनाएं और इन्जॉय करें। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, खूब सारा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।